क्या बोले, ध्रुव महाराज की जो भक्ति जो थी वो क्या थी? काम, अपने कामना वासना लेकर की भक्ति किया। काम लगे कृष्ण भजे पाए कृष्ण, काम छड़ी दास हुई होय अभिलाष। ध्रुव महाराज जो भक्ति की, भगवान की आराधना किया, कठोर तपस्या आदि की, ये भी शुद्ध भक्ति नहीं है, है? उसमें भी अन्नाभिलाषित रह गया। वो जो भक्ति करने के लिए गए, उनके हृदय में तो वासना रहा। ये उनके बीमार था सुरुचि ने, उनके उनके पिताजी के गोद में बैठने नहीं दिया। यही तो मूल था, भक्ति करने के उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के अनुसार ही फल प्राप्त होते हैं। ऐसा समझ जैसे जी, आप भगवान से मांग रहे हैं वस्तु, उस वस्तु प्राप्ति करके आप क्या करोगे? ठीक है, हमारे शरीर सुस्त रहे, ठीक रहे, किस लिए? भगवत सेवा आदि करने के लिए। ये संसारिक भोग विषय आदि के लिए करें तो भक्ति नहीं हो रहा, कपटता हो जाता है। कपटता के कई अर्थ होता है, कपटता के अंतर एक है, बाहर एक है, उसे कपटता कहा जाता है। छल कपट, डुप्लीसिटी, हिपोक्रेसी आ जाती है। और कपटता भी, इसके भी कह रहे हैं, कृष्ण भक्ति छोड़कर के और कुछ वस्तु की आकांक्षा व इच्छा जो रहती है, प्राप्ति की इच्छा जो है, वो सब कपटता में ही आ जाता है। ये कहते हैं कृष्ण वंश पूर्ति ना, कृष्ण वांछा होनी चाहिए, कृष्ण प्रीति मूलक होनी चाहिए। हम जो कुछ भी करेंगे कृष्ण के प्रति मूला होनी चाहिए, है? इसलिए कह रहे हैं अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम अन्नाभिलाषिता सुन्नं ज्ञान कर्माद्दन अवृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। वो भी भक्ति के जो है कुछ कहीं कहीं विरोध दिखाई पड़ता रहता है, विरोधाभास दिखाई पड़ता रहता है। जैसे माँ यशोदा गोपाल के स्तन पान करा रहे, कृष्ण प्रसन्न था, और उधर दूध जो है उबल रहा था और दूध गिरने लगे, तो कृष्ण तो प्रसन्न था, और वो दूध जो पर गर्म होकर के नीचे गिर रहा था, उसके रक्षा करना और कृष्ण के दूध पिलाना, इसमें कृष्ण के दूध पिलाना, इसमें अंतर हो रहा है। क्या अंतर हो रहा है? कृष्ण प्रसन्न नहीं हो रहा है। मां यशोदा कृष्ण के स्तन पान कराने के लिए रोक दिया, इसलिए कृष्ण क्या हो गया? गुस्सा हो गया, तो कृष्ण प्रीति नहीं हुई। वो दूध के संभालने के लिए मां यशोदा जी गई, इससे कृष्ण प्रसन्न है। कृष्ण प्रसन्न किस में थे? मातृ स्तन पान में। तो दूध बोले इसमें चूल्हे में जो दूध था उसको रक्षा करना भक्ति कैसे हो गई? उसमें कृष्ण प्रसन्न नहीं हो रहे, किंतु तथापि कह रहे हैं उसको भक्ति कह रहे हैं। कौन सा भक्ति? शुद्धा भक्ति कह रहे हैं। जो दूध जो गिर रहा था उसके रक्षा करना कृष्ण के लिए है ना, कृष्ण अभी कृष्ण तो प्रसन्न हो रहे हैं मातृ स्तनपान करके, किंतु थोड़ी बाद में कृष्ण कहेंगे मैया मुझे मक्खन दो, तो मक्खन कहां से आएगा? यदि वो दूध की यदि रक्षा नहीं करे, समझे नहीं? नहीं इसमें हा मत करो, इसमें ठाकुर जी है वो दूध कहां है? तो ये ऊपर से दिखाई पड़ रहा है, आपातः दृष्टि में है, ये भक्ति नहीं है, भक्ति के विरोधी दिखाई पड़ रहा है।
कृष्ण के लिए दूध रक्षा करना ये आपातः विरोधी बा, कृष्ण भक्ति नहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, कृष्ण पसंद नहीं हो रहे, किंतु इसके भक्ति का है। क्यों? कृष्ण कृष्ण सेवा के लिए जो वस्तु हम करते हैं वह भक्ति का है। आसन है कृष्ण अपेक्षा कृष्ण सेवा के वस्तु के प्रति अधिक हमें ध्यान देना चाहिए। समझ आ रहे? कृष्ण अपेक्षा है कृष्ण सेवा की वस्तु के प्रति हमें अधिक ध्यान देना चाहिए, यही तो कार्य है। कोई और एग्जांपल देंगे क्या? जैसे आप माँ जसोदा है सेवा कर रही है, किंतु कृष्ण के कपड़े के प्रति अधिक ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कृष्ण की सेवा की वस्तु है। कृष्ण खेल कूद करके एक कर, कपड़े के जो है गंदा कर दिया, गंदी कर दिया, माँ जसोदा डांट रहे हैं, क्यों? ये उनकी सेवा की वस्तु है, है? यदि वो भीग गया बाई हो गया तो कृष्ण के क्या होगा? बीमार पड़ जाएंगे। देखो कितने सूक्ष्म विचार है। हम ये सांसारिक जीवन भी देखते हैं, सांसारिक जीवन भी हम देखते हैं, आपके बच्चा है यदि भीगा हुआ कपड़ा पहने है तो बच्चा बीमार हो जाएंगे नहीं जाएंगे? तो आप क्या करोगे? उसके निकल के नया सूखा पहने, हो सकता है बच्चा प्रसन्न हो रहा है, बच्चे के कपड़ा खोलने में वो रोता है ज्यादा, ये नहीं ना मैया यही रहने दो है, किंतु माँ कह रही नहीं बेटा इसको चेंज करना है। तो कृष्ण की कृष्ण अपेक्षा कृष्ण सेवा की वस्तु के प्रति हमें अधिक ध्यान देना। कृष्ण प्रसन्न हो किस में हो नहीं वो हमें ध्यान नहीं हो रहा, कृष्ण की सेवा की वस्तु, इसी के कहते हैं ममता कहा जाता है। हम कहते हैं ममता के साथ सेवा करो, ममता उसी है, उसमें लिखना पड़ेगा, इसमें विचार करना पड़ेगा, उसमें कृष्ण किसमें प्रसन्न, कृष्ण के सुख किसमें होगा, माने कल्याण किसमें होगा, मंगल किसमें होगा, कृष्ण कृष्ण सुख दंड मारे, हो सकता है कृष्ण प्रसन्न नहीं है, आपको गिफ्ट, वाह बहुत अच्छी, आप तो महान हो, धन्यवाद। अच्छा अक्षय तृतीया में क्या है वो? आप तो ज्ञानी महाराज बहुत बढ़िया, अक्षय तृतीया ज्ञानी क्या आएगा? नहीं नहीं वो आएगा, महाराज जी बड़ा मंदिर देखकर के बोला था मंदिर प्रतिष्ठा में आऊंगा, प्रोग्राम और कहीं बना रही है? नहीं नहीं अभी तो है नहीं, अक्षय तृतीया में होगा, अक्षय वैसा नहीं वैसे 23 अप्रैल दंडी महाराज जा रहे हैं, उनके चलिए उसके चलिए सत्तर है ना नवदीप बाल, वो दंडी महाराज का प्रचार कर जो मर्जी कर क्या सत्तपुर से आ रहे सत्तपुर लोग प्लेटफॉर्म बनाते हैं, भक्त बनाए उनके चेली बना दिया काम नहीं सर, सत्तो तो उसके साथ घूमते माधव मार्ग के साथ, वो सब तो नहीं और कौन है नवदीप वाले जो वो थोड़ा घोष के बेटा पहले तो सुना तो नहीं मुझे भी नहीं हाँ हाँ सब तो है और गुड वो दंडी वाले अच्छा चलो फिर भी मैंने आपका वहाँ पे बोला है वो विश्वनाथ जी वो कहते हैं महाराज का बोलना भागवत सत्र भागवत सत्र करना चाहता है कहाँ पर उनके घर में वो जो बड़ा मुझे महाप्रभु था ना हाँ 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 उनके घर में कब वो बात कर लो हाँ हाँ के बाद अरे ना अभी अभी आए तो अभी अभी आए 5:30 थोड़ी देर पहले आ रहा हाँ तो हैं दोल के बाद ही है हाँ दोल के बाद ही कर लो दोल के बाद या पहले करना चाहते
ठीक आप कथा कर रहे हैं, कथा कर लीजिए। हाँ हाँ दंड दंड स्वभाव देना चाहिए। जैसे हमारे ठाकुर जी के स्वस्थ रहे, मतलब हमें उसको अच्छे से रखना चाहिए, ये मतलब हुआ है? ये मतलब हुआ आपके ठाकुर जी के जो वस्त्र आदि जो है, है श्रृंगार का सामान, श्रृंगार की सामान भगवान की सेवा की वस्तु है ना, उनको अच्छे से रखना, अच्छे से रखने। तो इसके मतलब ये नहीं कर रही हूँ सेवा के वस्तु के रखे ठाकुर के ध्यान में ये नहीं कह रहे, ठाकुर के चूहा लेकर के जाए ठाकुर जी के शरीर पर मैला पड़े रहे और कपड़े के जो है अच्छी तरह से आलमारी में है, वो बात नहीं कह रहे, वो नहीं कह रहे। जब ये बात बोलते हैं भगवान अभिका भगवान की वस्तु के, भगवान वस्तु की अधिक ध्यान देना चाहिए, इसके मतलब के भगवान को ध्यान भी देना भी चाहिए, है भगवान को तो ध्यान देना ही है और साथ ही साथ उसके सेवा की जो वस्तु कपड़ा आदि जो है ठाकुर जी के कपड़े आदि जो है उसके भी ध्यान देना चाहिए, ये कहने के तात्पर्य है। आ समझे नहीं, कहते इस गांव में ब्राह्मण को हत्या करना नहीं चाहिए, गांव ब्राह्मण के गांव क्या बोले ना, इस गांव में जितने ब्राह्मण है ब्राह्मण के मत मारो, तो इसका मतलब नहीं है ब्राह्मण छोड़ करके सभी मारो, ब्राह्मण ब्रह्म हत्या ब्राह्मण की हत्या करना नहीं चाहिए, इसके मतलब नहीं है दूसरे को और लोगों के मार दो, ये नहीं करना है, ब्राह्मण के तो मारना नहीं चाहिए और दूसरे को भी मारना चाहिए। तो उसी प्रकार ठाकुर जी की भगवान और भगवान की सेवा के वस्तु के ऊपर अधिक ध्यान देना है, ये कहने की तात्पर्य है। बाहर अच्छी तरह समझना, लोग उल्टा समझ लेते हैं, कहते भगवान की सेवा के बुझ देते, हम भगवान की सेवा की जरूरत नहीं है, कपड़े को अच्छी तरह से जो है फोल्ड करके और साफ करके रख दो और ठाकुर जी ऐसे नंगा करके पहने रखो, ऐसे नहीं कहा है, ठाकुर जी की सेवा करना है ही है, किंतु साथ ही साथ है भगवान की सेवा के उस, इसलिए कहते ये कपड़ता हमारे पास क्या रहता है, भगवान के पास जो कुछ मांगना है क्या मांग लेना, भगवत सेवा मांग लो, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये वस्तु भगवान से मांगना नहीं है, भक्ति मांग लिया जाए। और दूसरी देखो आश्चर्य की बात है, भक्ति भक्ति करने पर धर्म अर्थ काम मोक्ष अपने आप आ जाएगा, आएगा वो है, भक्ति कोई करे शुद्धा भक्ति कोई पालन करे ऑटोमेटिकली धर्म अर्थ काम मोक्ष आए आए, भक्ति पालन करने पर स्वाभाविक लोग उसके ऊपर आकृष्ट हो जाते हैं, यदि छल कपट से भी करे है लोगों की ठगाने के लिए भी भक्ति भी करे कर रहे हैं लोग है, तथापि जो है धर्म अर्थ काम आ ही जाएगा उसके पास है, लोग करते हैं ना हरिनाम तो करते नहीं है, बा भक्ति कोई जजन जाजन नहीं करते, तिलक लगा दिया, गले में कंठी माला लगा दी, हाथ में एक जपमाला लगा दी, नाम तो करते नहीं है, तथापि लोग उसके भक्त समझ करके उसको भी है धर्म अर्थ में लगा देते, इसे त्रिवर गा जाता है, क्यों भक्ति की वृत्ति है, भक्ति की वृत्ति क्या है, स्वभाव वृत्ति में स्वभाव क्या है, सामान्य रूप में कुछ भी करे तो भक्ति दे उसको ये वस्तु अपने आप दे देते हैं, मिल जाता है, आज भक्ति के विशेष वस्तु देता है, इसी का धर्म अर्थ काम ये अपने आप आ जाता है, और कोई ये निष्कपट रूप में करे क्यों नहीं आएगा है, यदि कपड़ता छल कपट से भी भक्ति करे है आ जाता है, बंगाल में जाओ कि इधर भी देखो
साथ में चले जाओ, लोग सब आपके 10-10 रुपए दे देंगे, 100-100 रुपए दे, 500-500 रुपए दे देंगे, ऐसा भी भक्त है सब। ऐसा विचार कर है कि नहीं? को देखो गृहस्थ लोग उसके लिए क्या देना है, हमें क्या लेना देना है, है? आए हैं बस, साधु वेश लाए, साधु वेश से आए हैं, वेश के ऊपर लोग ये देते हैं, ध्यान देते हैं, कौन इतना विचार करते, उसके पास समय कहाँ है? कौन है नहीं क्या, उसके भी ज्ञानी भी नहीं है, उसके समय भी नहीं। अब आप इसे ये है गंगा स्नान में लोग जाते हैं, कितने लोग बैठा देते हैं, सबके थोड़ा थोड़ा चावल सब कंबल मारते हैं लोग, गिरिराज गोवर्धन परिक्रमण जैसे कंबल दे देते हैं, आप भी बैठ जाओ, कोई भी बैठ जाओ उसको कपड़े तो सरल भाव से कर रहे, वो कपड़े तो क्यों है सेवा, सरल रूप से कोई जीवित करे अच्छी बात है, सरल रूप में करे, भक्ति के जो लक्षण जो बताते हैं सरलता होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी, डुप्लिसिटी, सरलता उसी कहते हैं जो जैसे है ऐसे रखो, दिखावा नहीं, ऐसे दिखावा क्या होता है, ऊपर से बहुत दिखाते रहता है किंतु, और वह अथवा अन्य दूसरी के अभिसंधि रहता है, अभिसंधि है, चलो ये अच्छा संत महात्मा है, इसके पास में रहें तो लोग हमें मान सम्मान देंगे, हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के अगल बगल में रहने से क्या होता है, आपके परिचय वैल्यू बढ़ जाता है, वैल्यू बढ़ जाता है कि नहीं, हैं? और उसमें आजकल तो वो कहते क्या, वो लेते हैं केवल सेल्फी ले, उसको दिखाते हैं, उसके साथ कोई संबंध ही नहीं, दिखाते यदि शुद्धा भक्ति कर, भक्ति नहीं ना है, देखो भक्ति चिन्मय वो केवल उस समय के लिए अपराध होने पर उस समय के लिए वो रुक जाए, जिस प्रकार जलती ही लकड़ी है किसी काम से बुझ गया है, किंतु हवा पुनः आने पर वो जैसे हो जाए प्रकाश हो जाए, उसी प्रकार भक्ति भी है, किंतु यहाँ पर साधारण लोग ये समझाने के लिए कह रहे हैं जो भक्ति नष्ट हो, जो जैसे व्यक्ति होते हैं उसके लिए उसी प्रकार बना बोलना पड़ता है, जैसे अपराध हो जाए वो नहीं तो अपराध घटे ही रहेगा, बोले हमें तो भक्ति नष्ट नहीं होते तो कोई बात नहीं है, अपराध करने पर रुक जाता है, जैसे एक जल्दी ही लाकर जल रहे जिस कारण से आग बुझ गई, किंतु उसमें आग है उसके ऊपर एक सफेद ये पड़ जाता है, डस्ट पड़ जाता है, फिर हवा जोर से हवा चलने पर वो सफेद जो छाई भस्म जो राग जो है वो चला जाता है, फिर तात्पर्य क्या है, जो अपन भक्ति जो कर रहे हैं वो भक्ति उसी प्रकार रुक जाए,
ये किंतु साधारण लोग के लिए कहा जाए भाई तो वो बोले कोई बात नहीं तब अपराध करते रहे। ठीक है, ब्रह्मांड में भ्रमित कुनो भगवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद उपाय भक्ति लता माली हैया से ही करे आरोपण सवन कीर्तन जले करह। देखो यहाँ पर भी कह रहे हैं ये अपराध हस्ती जैसे उद्गम, यदि अपराध रूपी हाथी आया वो क्या करते हैं, वो पूरा पेड़ को जो है उखाड़ करके फेंक देता है। ठीक उसी प्रकार अपराध होने पर क्या होता है, भक्ति के जोर से उसको उखाड़ के, जैसे मैड एलिफेंट सूंड के द्वारा पूरा पेड़ को उखाड़ करके अपराध होंगे। तो शास्त्र में दो प्रकार की बात कही गई, जैसे जैसे अधिकारी लोग होते उसको उस प्रकार कहा जाता है, किंतु सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार करने का यदि भक्ति किसी के हृदय में यदि तो भक्ति में सही वो जन्म जन्मांतर में वो चलते आते हैं, तो किसी न किसी जन्म जन्म में जाकर के पुनः प्रकाशित हो जाए। ये देखो इसके उदाहरण के लिए कह रहे हैं गजेंद्र, गजेंद्र पूर्वजन में कौन थे, राजा इंद्रदुम्न थे, अगस्त ऋषि उनके आश्रम में आए। इंद्रदुम्न घर संसार छोड़ करके जंगल में आकर भगवत भजन करने लगे, ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, और इतने से अगस्त ऋषि आए, अगस्त ऋषि को सम्मान नहीं किया, अगस्त ऋषि उनको विशाल दे दिया, मूर्ख मैं साधु कम से कम साधु आए हूँ प्रणाम तो करो वाह उनसे तो सम्मान करो, आइए महाराज जी पधारिए, कुछ भी नहीं करो उसमें से ठाकुर जी हमें सब कुछ करें। तो उस समय अगस्त ऋषि दुखे हुए, जैसे हाथी बलवान होते हैं और हाथी सोचते हैं जो मैं मतवाले से चलता रहता हूँ, हमें कौन बिगाड़ लेगा, कोई बिगाड़ नहीं लगता है, बलवान से ही ना सुन के ऐसे दुलाते खिलाते ही चलते हैं है? तो उसी प्रकार के तुम मदमस्त हो ना, इतने अहंकारी जाओ तुम हाथी के जन्म, तो इंद्रदुम्न मारे विचार दे इंद्रदुम्न मारे उनके चरण पकड़ लिया, महाराज जी क्षमा करे, साधु हृदय के नवनीत समान है, संत हृदय नवनीत समान है। यहाँ तक भी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, देखो नवनीत जो है मक्खन जो है हाथ की गर्म से पिघल जाता है, शरीर में गर्म है ना उससे भी पिघल जाता है, किंतु संत महात्मा पर दुख देखे देखते ही उनके हृदय द्रवित हो जाते, दूसरे के दुख देखते ही उनके हृदय कैसे द्रवित हो गए। तो अगस्त ऋषि विचार करने हाय हाय मैंने जिनको विचार दे दिया हाथी हो गए, कितने हजार साल तक हाथी हो गए पड़ा रहेगा, वो पशुजनी कष्ट होता है ना, पशुजनी के सबसे कष्ट होता है, मनुष्य छोड़कर के जितने जनी हैं तो कष्ट था, हमें मच्छर कर दे हम ऐसे हाथ के कम से कम देख पाए और अभी क्या लगा दिया मच्छर भाग रहे हैं क्या लगा दिया ना वो केमिकल पे जो लगा देखो, हाथी के कौन लगाएंगे बताओ, कुत्ते के कौन लगाएंगे कौन ही बोल नहीं पाएंगे, काट रहे तो इसलिए अगस्त ऋषि राजा जाओ संग श्रीहरि तुम्हें उद्धार करेंगे हाथी जन्म, तब वही गजेंद्र होकर के जन्म लिया, हजारों साल तक चलने लगा गजेंद्र मोक्ष लीला वर्णन हो रहा भागवत,
और वो हथिनी के साथ अपने छोटे छोटे और पुत्र कन्या हाथी के साथ सरोवर में जो सरोवर समझते हैं वहीं पर जल विहार कर रहे हैं और करते करते इसे पैर से चल गए, बहुत दूर तक चले गए और इतने समय एक क्या बोलते हैं मगरमच्छ उसका हाथ उसके पैर पकड़ और भी गभीर जल की तरफ पानी की तरफ खींच करके ले गए। हाथी कुछ भी करें बलवान हो अपने स्थान पर मैंने स्थल पर जहाँ पर जल है पानी है कीचड़ है और दलदल इसीलिए दलदल समझते हैं उसमें और भी धक्के चले उससे हाथी क्या कर पाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे उसके ऊपर मृत्यु छोड़ कर दी। तथापि ये गजेंद्र जो था इतने बलवान था हजारों साल तक वो मगरमच्छ के साथ भी युद्ध किया माने खेचाता नहीं करना उड़ने के लिए प्रयास खींच करके लेता है फिर वो खींच करके ले चले जाते यहाँ तक भी उस गजेंद्र के उनकी हथिनी माने उनकी पत्नी बच्चे सभी उनका प्रयास किया उठाने के लिए किंतु अंत में सब विफल हो गया निराश होकर सब चले गए क्या करे बेचारे और हाथी वो हाथी अंत में जो है पानी में डूब रहा था डूब ही गया उसको सारे शरीर तो डूब गया इतने थोड़ी सी ऊपर से जो है सूर बचा हुआ था। देखो पूर्वजों की स्मृति हुई वो जो भक्ति थोड़ी की थी वो भक्ति के यह तो चरण में अपराध किया किसके चरण में अगस्त ने क्योंकि तथापि जो भक्ति जितने किया वो भक्ति स्फुरित हो इसलिए पूर्व जन्म की स्मरण हुई ओहो मैं भगवान की ठाकुर जी की सेवा की भगवान की कोई सेवा करे भगवान कहते हैं थोड़ी सी करे हम तो उससे भी ऋणी बन जाता है इसके कोई संसार में किसी के थोड़ी सी भी कुछ करे वो ऋणी बन जाता वो कृतज्ञ हो जाता कृतज्ञ समझते जट पुण्य के लिए हमें तुम्हें इतनी सेवा किंतु मनुष्य में ऐसे नहीं है मनुष्य तो पशु से और भी गया हुआ है देखो तो उन्होंने किस प्रयोजन के स्मरण हुई बोले मृत्यु तो है ही है ठीक है एक फूल लेकर के ठाकुर जी के चरण में संकित कर देता सत्र पुष्पम फूलम प्रयम जो में वक्ता प्रजत गीता में भगवान थोड़ी सी कुछ भी हमें विज्ञान ग्रहण कर देता हाथी क्या किया एक फूल भी आ गया उसे इतने जब दलदल में और जब युद्ध हो रहा था वो तो ये फूल कहाँ से आ गया ये बोले भगवत इच्छा से भक्ति की एक कोई भी भक्ति करने की इच्छा करें भक्ति करने के जो सामग्रिक जो है वो भगवान कहीं ना कहीं आपके लिए रास्ता करें आपके पास अगरबत्ती नहीं है आपकी इच्छा जगे तो कहीं ना कहीं भगवान कोई भगवान दर्शक हो गई है आपके पास घी नहीं है रुई नहीं है वो कहने की संयोग बना देंगे उसी समय कोई व्यक्ति आ जाएगा हाँ भाई हमारे घर में रुई है हमारे घर में थोड़ा घी है वो आपके सारे व्यक्ति रुपये वो प्रेरणा देते भगवान है ना भक्ति की ऐसी है और उसी समय एक कमल को देखा उन्होंने हाथी यहाँ पर एक प्रश्न उठता है वो कमल कहाँ से आ गया भगवत और वो हाथी ने किया कि मरने वाला था उस कमल को देख करके उसको उठाया और भगवान के चरण में एकदम पुष्पम सुबैन नमः बहुत सुंदर कथा भगवान के चरण में उपित करने और उसी समय स्वयं वैकुंठ स्वयं भगवान गरुड़ जी के बोले गरुड़ जी मुझे जल्दी लेकर के चलो उस पुष्प के मुझे ग्रहण करना है यदि नीचे गिर गया मेरे नाम से कलंक हो जाएगा गीता में भगवान देखने ये मैं सामान्य रूप से भी भक्त मैं आपके लिए मुझे देते मैं ग्रहण करता हूँ तो मेरा वचन क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा हमारे नाम पर कलंक हो जाएगा पहले आप बोल करके आप पाल वचन का पालन नहीं किया इसलिए देखो गुरु जी कहने लगे प्रभु मेरे तो रुके सूखे
पंखा है, थोड़ा तकिया लगा दू, अरे तकिया फकिया लगाना नहीं, जूता भी भगवान भी जूते भी नहीं पहने हैं, गोलू जी के रुखे सूखे है खस खस जो पीट जो है, कम से कम तकिया लगा दो कोई तो गोलू के फिर आदर के स्वयं भगवान ने दिया उस कमल को पुष्प को ध्यान शिकार कर लिया, कितना सुंदर। और साथ ही साथ फिर भगवान ने कहा कि सुदर्शन चक्र के द्वारा वो ग्राहक गजब एक ग्राहक मगरमच्छ को उसको जो है केवल जाओ उसे क्या बोलते हैं गला गर्दन को काट और व्यक्ति को हाँ हाँ तो क्या बोले गजेंद्र जी जो है। और देखो यहाँ पर आश्चर्य की बात, पहले भगवान उद्धार किसको कर दिया मगरमच्छ को, उसके गला का है मतलब वो सुंदर देव सभी धारण किया है और भगवान के परिक्रमा के सिद्ध करके वो मुक्त होकर चले। अभी गजेंद्र अभी तो गजेंद्र उद्धार नहीं हुआ, जो भगवान पहले किसको उद्धार कर दिया है जो पकड़ो। इसमें एक भी हमारे टीकाकार कह रहे हैं देखो वो मगरमच्छर कौन था, ये हु नाम से कोई गंधर्व था, क्या था हु नाम से कोई एक गंधर्व था है, है? गंधर्व वो नित्य गीत गाने वाले हो गए, एक समय जो है एक साधु जो है वो नाम है इसमें संत महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे, वो गंधर्व जो है साधु के चिढ़ाने के लिए हास परिहास करने के लिए है पानी में डूब करके साधु के पैर पकड़ करके खींचने लगे, साधु बार बार कहते कौन ऐसे कर है, और वो मगरमच्छ की मदी बार बार खींचने लगी, तो उसमें साधु ने उसको इंसाफ दे दिया या तुम मगरमच्छ के जाना है अरे कोकोडाइल होकर जाना मेरे को देंगे तो गंधर्व डाल है, तो साधु के चार पकड़ के रोने लगे मुझे चाहिए अरे जाओ तो अभिशाप कर दे दिया है चंद श्री हरि तुम्हें ये मगरमच्छ शरीर से उद्धार कर। किंतु यहाँ पर एक विचार है गजेंद्र जो है माने अब इंद्रद्युम्न महाराज उन्होंने तो भक्ति की किंतु ये तो भक्ति नहीं किया, ये गंधर्व जो है ये तो भक्ति भी नहीं किया और भी साधु के कष्ट दिया पकड़ लेकर के संत है, किंतु भगवान उद्धार किसको पहले किया मगरमच्छ ने है क्रोकोडाइल क्यों है हाँ है ये तो गंधर्व हाँ गंधर्व है आ जाए ऋषि के नाम कह दिया। तो यहाँ पर भी हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अभी दिखाया तो कोई गजेंद्र कौन थे भक्त थे तो भक्ति तो किया है इसे भक्त के चरण से पकड़ करके रखा है देवल ऋषि हो गए देवला हाँ तेज देवल हाँ देवल ऋषि देवल ऋषि कम टू विजिट दी एंड हेम ही टू डबल डिशी हुआ डबल डिशी हुआ वो इसमें दिखा रहे हैं कोई किसी प्रकार भक्त के चरण आश्रय करे है तो भगवान पहले उसको भगवान कहते हैं मेरा भक्त मैं तो उद्धार कर ही दूंगा, पर फिर उद्धार तो हो ही गया नाम में भक्त प्रणश्यति मेरे भक्त की कभी विनाश नहीं, ये तो है ही है किंतु जो अभक्त है और हमारे भक्त के चरण पकड़ कर रखते हैं उसको उद्धार कर दे है, कितना सुंदर विचार है हमारे दृष्टि और भगवान दृष्टि में कितने अनुसार है भगवान करुणा मान हम एक दूसरे के शत्रु मानते हैं
किंतु भगवान सब कुछ थोड़ी मानते, उच्च कोटि जो जितने उच्च कोटि के संत महात्मा होते हैं वो समभाव दर्शन आ जाता है, समभाव, और सब में भगवान के दर्शन होते हैं। अरे जो जितना ही भक्ति कर रहे हैं, अरे अभी जो कर रहे हैं बुद्धिपूर्वक जो कर रहे हैं क्या भक्ति है, यही भक्ति धीरे धीरे जाकर के परिपक्व हो जाता है। जैसे देखो एक फल लगे है, इमैच्योर रहता है पहले, कच्चा रहता है, पर धीरे धीरे क्या होता है, पक जाता है, सब वो स्वादिष्ट होता है, है? सब स्वादिष्ट होते कि नहीं होते पकने का, ये कच्चा आम ग्रीन मैंगो है और पीला हो जाता है, फिर संपूर्ण रूप से पक जाता है, तब जब संपूर्ण रूप से पक जाता है तब स्वादिष्ट होता है, तब भक्त उसके तोड़ करके धो धा करके अच्छी तरह से काट करके ठाकुर जी के भोग में लगा देते हैं, और फिर ठाकुर फिर भगवत निवेदित प्रसाद जो वो ग्रहण करते हैं, सुंदर लगता है। तो उसी प्रकार हम कह रहे हैं एक इमेच्योर अवस्था और मैच्योर अवस्था, जो अभी आपकी भक्ति हो रही है, भक्ति हो रही है लेकिन किसी प्रकार संदेह नहीं, संशय नहीं हो रहा है, किंतु अभी परिपक्वता नहीं हो रहा, इसलिए साबित करना, कोई वस्तु जो परिपक्व हो जाता है और होने पर उसकी साबिष्टता है, ये कहें ये कोई कहे जो हमारी भक्ति नहीं हो रहा है, ये गलत शब्द हो रहा है, जो जितना ही परिमाण कर रहे हैं उतना है। आम पहले को होते आम ही होता है, सेब क्या होता है आम होता है, एक ही वस्तु के अलग अलग नाम होते हैं, फिर आम जो है थोड़ा मैच्योर होता है, फिर एक होता है प्री मैच्योर होता है, मैच्योर हो जाता है, फिर पक जाता है, फिर जब पूर्ण रूप से पक जाता है पीले हो जाता है तब उसमें तोता जो है उसमें चोंच लगाता है, फिर कितने स्वादिष्ट होता है, पेड़ से गिर जाता है, फिर ठाकुर जी के भोग लगाते हैं, ठाकुर जी के भोग लगा देखो एक दूसरी स्वादिष्ट होता है, ठाकुर जी के भोग लगा नहीं करके जो आप ग्रहण करोगे वो उतना स्वादिष्ट नहीं होगा, भगवान के भोग लगा करके जब आप ग्रहण करोगे और चेतन और वस्तु में उसी का हम इन्हीं का भक्ति आपको हो रही है, कोई कहता मेरे भक्ति नहीं ये क्या हो रहा है, साथ की भक्ति है और आप लोग सब ठीक है, एक लक्ष लक्ष शब्द का अर्थ होता है 100,000 और लक्ष शब्द का 1.8 हरिना लक्ष्य करके हरिनाम करो मन स्थिर कर, दो अर्थ होता है, एक लक्ष्य करके और एक लाख है लक्ष्य, उसमें यह हरिनाम करने के समय मन को भगवत चिंतन आदि करके मन स्थिर करके हरिनाम करना है, तो ये कहा गया, और दो अर्थ भी होता है, इसलिए ये नहीं है ये एक लाख, इसलिए कहता है एक लाख हरिनाम करना चाहिए, कर नहीं पा रहे दूसरी बात है, किंतु करने के लिए प्रयास करो, समझ गया है? मन स्थिर करके हरिनाम, हाँ
आगे सेवा करने में तो सुख आएगा, आनंद आएगा। और सब ठीक है, सेवा सेवा करने पर सुख होता है, अपने जो आनंद होता है, सेवा सुख हो मन बुझे ना, तुम्हें तो अमार अन्न तो समान पिता जब पर सेवा सुख पे मन, सेवा करने से चित्त प्रसन्न होता है। ये प्रसन्नता क्या है, उसी के आनंद होता है, सुख होता है। सुखवादी और विचार बोले तो आप समझ रहे हैं, सुख और आनंद एक वस्तु नहीं है। सुख सुख में एक वस्तु रहता है और आनंद में दो वस्तु रहता है। ये सब तो सूक्ष्म विचार स्थिति संदर्भ में दिया गया है। सुख और आनंद, आनंद वस्तु जो है उसमें आश्रय और विषय रहता है, आश्रय और विषय रहता है। और सुख में केवल आश्रय रहता है, विषय नहीं रहता है। ये समझ, आनंद में आश्रय और विषय रहता है और सुख में जो है तत्व है, श्रीमती राधिका आश्रय तत्व। ये आनंद शब्द जहां पर प्रयोग किया गया, आनंद में दो वस्तु रहता है, विषय और आश्रय। सेवानंद, सेवानंद सेवा करने पर आनंद होता है। तो अब मैं सेवा कर रहा हूं और हमारी सेव्य वस्तु की सेवा कर रहा हूं, तो होता है क्या, आश्रय भी है विषय भी है। आश्रय साधक बन जाते जो सेवा कर रहे हैं, वो आश्रय और विषय क्या है, भगवान हो रहे हैं। समझ में, इसलिए आश्रय और विषय रहता है आनंद में है। और सुख में क्या रहता है, सुख में केवल आश्रय रहता है, विषय भी नहीं रह सकता। अभी इसको समझ नहीं रहा, स्थिति संदर्भ हो रहा। अभी 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 आप जो बोल रहे भी समझ में नहीं आए आज नहीं। अभी पहले समझ में, आश्रय किसको कहता है, विषय किसको कहता है, हैं? हम जब ये कहते हैं सेंटेंस तैयार करने के लिए दो वस्तु होता है, एक होता है शब्द, एक होता है उद्देश्य और एक विधा होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट होता है ना, है उसमें जो है, ठीक उसी प्रकार आनंद शब्द जब यहां पर प्रयोग किया गया, आनंद शब्द में दो वस्तु रहता है। भगवत इसलिए कहते हैं भगवत सेवा में आनंद होता है और भगवत सेवा में सुख होता है, किंतु सुख शब्द होता है कहीं अपने में लग जाता है, कोई कार्य कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, किसने सेवा कर रहे हैं, हो सकता है अपनी प्रति के लिए सुख। आनंद जो होता है वो अपने इष्टदेव, इष्टदेव के प्रतीक होता है, प्रतिमलाक होता है। इसलिए कहता है आनंद में दो वस्तु रहता है, एक होता है क्या, विषय और एक आश्रय। जैसे श्लोक आ रहे हैं, युगल किशोर राधा गोविंद वृंदावन में वृक्ष के नीचे खड़े हुए हैं, और कोई व्यक्ति जो है वो चामर डुला रहे हैं, तो उनके दर्शन मिले तो दुख है कि सुख है कि आनंद है। यदि सुख हो रहा है तो वो भक्ति के पूर्ण भक्ति के नहीं होता है, आनंद होने सेवानंद, आनंद शब्द से सेवानंद, प्रेमानंद, रसानंद, ये सब शब्द प्रयोग किया गया।
सेवा सुख, सेवा सुख पेन मनी, सेवा करने पर सुख होता है अपने, किंतु ये सेवा सुख जो है ना वो अपने लिए हो सकता है, किंतु आनंद जहाँ पर होता है दोनों वस्तु में, अपने अपने अर्थात और सब वस्तु में, आ समझिए अभी समझ में नहीं आएगा। वो अपने को वो तो आपके ऊपर निर्भर कर रहे हैं ना, हम गुरुदेव के चरण में बैठे हुए हैं, ये जो चरण में बैठना ये सुख है कि आनंद है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। किस लिए बैठे हैं? कथा सुनने, कथा सुनने में जो है सुख है कि आनंद है वो तो है? वो तो आपके हृदय में वो कोई क्या बोले शब्द के दर व्यक्त, तो वो तो अपने हैं, हम ये सुख जो है अपने सार्थक नहीं रह रहे। सुख में क्या होता है कुछ न कुछ सार्थक नहीं रहता है सुख में, समझ में आ रहे? सुख में कहीं कहीं वो सेल्फिशनेस रहता है सुख में, आनंद एक वस्तु होता है उसमें किसी प्रकार अपने सेल्फिशनेस नहीं रहता, सार्थक तो नहीं रहता, कुछ हो सकता है वो, किंतु जब आनंद शब्द प्रयोग होता है आनंद आनंद शब्द में विषय और आश्रय दोनों ही प्रजित हो गए, सेवानंद है, भक्त आते थे भगवान प्रसन्न होते कि नहीं होते, आनंद में आ जाते हैं। भगवान भगवान में क्या है, भगवान आत्माराम आप्तकाम, भक्त जैसे जैसे भावों के प्रकट करते हैं भगवान वो भाव को ग्रहण करते हैं। आज भक्त इसलिए शास्त्रीय सिद्धांत जो ये सब जो बोल रहे हैं ये निर्भर करता है भक्त के ऊपर, भक्त क्या चाह रहे हैं, भगवान के खिला रहे हैं, माँ जसोदा गोपाल को भजन करा रही करा रही है, गोपाल को नहीं, ये गोपाल की खिला करके माँ जसोदा में क्या हो रहा है, सुख है कि आनंद है, आनंद है। हम सुख और आनंद कहीं कहीं एक पर्यायवाचक मान लेते हैं, पर्यायवाचक सिनर भी मान लेते हैं, पर्यायवाचक मान लेते हैं जो नहीं, किंतु वास्तव में जब हम सुखमाति सुख में विचार करें किंतु सुख अपेक्षा आनंद की एक विशेष वैसे सुख में कहीं अपने साथ भी रह सकता है, नहीं भी रह सकते, रहने की संभावना है, और आनंद में वो नहीं जाता, आनंद सेवानंद प्रेमानंद ये सब जो है, सेवानंद प्रेमानंद रस आनंद, आनंद शब्द प्रयोग होता है क्योंकि ये आनंद से शब्द है ब्लिस पूछने जिसके आनंद एक एक वस्तु है जिसमें कोई अल्टरनेटिव शब्द नहीं होता है। यही तो व्याकरण के अनुसार सुख कहे तो दुख आ जाता है, आ समझिए सुख हो रहा है वे दुख हो रहा है, सुख दुख एक क्या है विपरीत शब्द है ना, कोई सुखी कोई दुखी, कोई तन से सुखी कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कई धन से दुखी कई मन से दुखी। अच्छा ये दुख शब्द जो है और सुख शब्द जो है इसके विपरीत शब्द हो जाता है, हैं? किंतु आनंद एक शब्द है उसके कोई विपरीत शब्द नहीं होता, इसको
संस्कृत में इसको दिखाया गया। आप कह रहे हो आनंद निरानंद कहें, किंतु नीर शब्द जो है थोड़ा पानी के, नीर शब्द जो है निरानंद, नीरा शब्द नीर उपसर्ग प्रयोग करना चाहिए। संस्कृत में उपसर्ग होता है प्र परा अपसम नी, ये सब उसी के कारण से उपसर्ग होता है संस्कृत में। तो उपसर्ग योग करके तब जो है आप निरानंद करें, आनंद से निरानंद करें, समझे। किंतु आनंद ऐसी वस्तु है वो केवल सत्संग को दशा स्वयं अनुभव के विषय होता है। मां यशोदा गोपाल को स्तनपान करा रहे। अच्छा आनंद किसको हो रहा है, दोनों में होता है, मां की भी हो रही है और गोपाल की भी हो रही है। यदि का सुख जो हो, क्योंकि वो सुख शब्द जहां पर होता है वहां पर उनके पर्यायवाचक शब्द आ जाता है, विपरीत शब्द भी आ जाता है। आज आनंद शब्द जो है ये हम भगवान के पास बैठे हुए हैं, भगवान आनंदित हो रहा है। आनंद शब्द सुख, सुख शब्द कहीं कहीं सत्य में आ जाता है, किंतु आनंद जो है उसमें कोई ये नहीं रहता। आनंद एक अनूठा शब्द होता है। आज इसलिए आनंद की विशेष महत्व, इसलिए कहा जा रहा है वेदांत सूत्र का आनंदमय बैसा, आनंदमय बैसा। आनंदमय कौन है? भगवान है, है? भगवान संपूर्ण रूप से जो है आनंद है। आज तो आपके समझ में नहीं आएगा, संस्कृत में दो प्रकार के मय शब्द दो प्रकार के होता है। एक मयट प्रत्यय होता है, मयट प्रत्यय होता है जहां पर वस्तु की अधिक को होने से मय, जैसे जलमय, जलमय समझ चुके माने यहां पर जल की अधिक को हो गया, माने ज्यादा पानी हो गया, इसमें जलमय हो गया, पानी पानी भर गया। हम कहते हैं यहां पर सारे पानी भरे। और मय शब्द की अर्थ होता है एक वस्तु दूसरी से मिलकर के एक हो गया। मट प्रत्यय, मट प्रत्यय इसमें कहा जाता है। संस्कृत में मयट प्रत्यय होता है, जैसे जलमय, जलमय कहने से यहां पर सब जल नहीं, पानी नहीं हो गया, किंतु पानी की क्या हो गया, अधिक अधिक हो गया, अधिकता है पानी। इसलिए हम कर कह रहे जलमय कह रहे हैं। अच्छा ये गांव क्या हो गया, पानी में डूब गया, तो उसकी कहते हैं जलमय हो गया। किंतु वो गांव के जितने वस्तु जो है वो पानी नहीं बन गया, किंतु पानी के अधिक अधिकत्व होने से हम उसके क्या कह जाते हैं, जड़मय हो जाते। इसे कहते हैं मैट प्रत्यय दो प्रकार के है, एक अधिक का हेतु और एक जो है उसमें एक दूसरे वस्तु से रूपांतरित तो हो जाना है, किंतु रूपांतरित तो नहीं हो रहा है। अधिक का जमन इस गांव में सभी ब्राह्मण है, किंतु कुछ तो भी और जाति के लोग तो होगा, मैं केवल ब्राह्मण है, कहते इस गांव में अधिक ब्राह्मण है। तो हो सकता है 80% जो है कि 90% जो है ब्राह्मण है, 20% जो है और जाति के लोग होगा, किंतु जब हम व्यावहारिक शब्द कहते हैं अरे इस गांव में तो केवल ब्राह्मण ही ब्राह्मण ही है,
किंतु और भी जाति के लोग भी है, ठीक। इसी प्रकार जो है आनंदमय भगवान, किंतु भगवान के लिए जब प्रयोग होता है इसमें ये शब्द नहीं होता है, भगवान आनंदमय है, तो इसके मतलब दुख है कि नहीं है, बोले नहीं दुख नहीं है, है? इस संसार में कहता है वो सुखी है, किंतु कुछ समय के लिए सुखी है, हम आनंद है, आनंदमय है, कुछ समय के लिए आनंद है, है? लड्डू कचौड़ी खाने में जितने आनंद होता है, खुजली खुचाने खुजलाने में उतनी आनंद है कि नहीं, खुजली होता है ना, स्किन डिजीज, स्किन डिजीज जब मुझे खुजला दिया है ना तब आनंद होता है, और जिसे थोड़ी बाद में क्या होता है, दर्द होता है, कभी कभी हो जाता है ना गर्मी के समय, इसलिए गर्मी से भग जाता हूं कुछ नहीं हो जाता है आज समझेंगे, फिर जो आप खुजली जब खुजलाते हो तब आनंद होता है, किंतु उस समय के बाद क्या होता है, दुख होता है। तो इसमें आनंद और दुख रहता है इस जगत में, किंतु भगवत धाम में अरे दुख के लेस मात्र भी नहीं है, गंध भी नहीं है, आनंद ही आनंद, आनंद इसे कहते आनंदमय भगवान है। ये है सब नए शास्त्र व्याकरण के लेकर के खटपट करते रहते हैं लोग, झगड़ा करते रहते, ये भगवान आनंदमय है तो दुखमय होगा, बोले ना ऐसे नहीं कर सकते है? कहते भगवान रो रहे हैं, उनके रोना ही आनंद है, बाल गोपाल रो रहे हैं है? माँ जसोदा उनकी लाठी लेकर के दौड़ रहे हैं है? और गोपाल भाग रहे हैं, भय से भाग रहे हैं, किंतु उसे भय से भागना भी उसमें आनंद है, ऊपर से भगवान रो रहे हैं भैया मुझे भगवान युग्म मृजंतम है नमामि सरलम सचिदानंद रूपम रसद कुंडलम यशोदा भियोलु खलाब्धवान परम विष्टमत्तम तथदृत गुप्ता रुदंत मुहुर नेत्र युग्म मृजंतम पराम भुज युग्मेन सातंक नेत्र मुहुर सास कंप श्रीरेखांक कंठ सीत दानमु दरन भक्ति बल। तो बाल गोपाल क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, ऐसे कृष्ण के रोना भी आनंद है। देखो साधारण उदाहरण दिया जाता है, रोना में कब आनंद होता है, जैसे सीता जी के पाताल प्रवेश आपने श्रवण किया, मां सीता देवी देखा उसने टीवी में देखा ना है, और इसको देख करके आपके आपके चित्त द्रवीभूत हो जाएगा, आंख से आंसू आ जाएगा, फिर दूसरे दिन यदि वही नाटक हो ड्रामा हो है फिर आओगे आप उसी को देखने के, क्योंकि यदि रोना ही दुख था तो फिर क्यों आ, बोले नहीं उसी में आनंद है, तुम्हारा सेवाए दुख है यत से परम सुख सेवा दुख सुख परम संपद उसमें आनंद होता है ना सर अविद्या जगत आनंद इस जड़ जगत में भी दिखाया जाता है, ऊपर से दुख प्रतीत होता है किंतु आनंद भरा रहता है, इसको अनुभव करना है, भजन करते करते होगा सब तो अच्छा आरती हो रही है, चलो आठ बजे जा रहे हैं, आनंद है भगवत दर्शन में, कि प्रेमानंद होता आनंद होता है, यदि सुख हो रहे वो कहीं कहीं भक्ति के विरोधी बन जाता है,
किंतु आनंद जो है वो अनूठा शब्द बन गया है। आज भगवान के दर्शन करके भक्त आनंद उत्सव मना रहे, भगवान भी आनंद ले रहे हैं। भक्त और भगवान दोनों में क्या होता है? आनंद होता है। ये अच्छा चलो।